Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is your host Anki Kanishka Gula and another video on the anchoring tips. आज के वीडियो के अंदर we are going to talk about on the how to add emotions in your words. ठीक है, अपने words के अंदर, deliveries के अंदर अपनी कैसे words और emotions कैसे add करें और किस तरीके से अपनी speech को थोड़ा सा connecting feel करवाए. अच्छा, मैं एक example दूंगी इससे पहले, शुरू करने से पहले. कभी आपने देखा है actors को, कभी एक्टर्स तो नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल हम जैसे लोग ही होते हैं, जब पर कभी आप स्क्रीन पे देखते हो उनको, आपने उनको देखा है कि वो उस एक्टिंग के अंदर, उस करेक्टर के अंदर घुसे हुए होते हैं. चाहे उनको पनवाड़ी प्ले करना है, चाहे उनको गैंगस्टर प्ले करना है, चाहे उनको एक हाउस होल्ड लेडी प्ले करना है, चाहे उनको बिल्कुल एक पुलिस वाला प्ले करना है, वो उस करेक्टर में क्यों इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि वो स्क्रिप्ट को फील कर देखते हैं. एक एग्जाम्पल और आपको बताती हूँ. एक कैरेक्टर आया था जब रणबीर सिंह ने जब ये शायद उनका गाना आया था पद्मावत मूवी के अंदर, उस कैरेक्टर के लिए शायद उन्होंने एक महीने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था, राइट? और वो ये इसलिए था ताकि वो उस कैरेक्टर को अडेप्ट कर पाए. अडेप्टिंग स्किल्स के लिए सिर्फ ऐसा था, ठीक है, कैरेक्टर की लाइंस को उसको अडेप्ट कर पाए, उसको समझ पाए. अब वो कैसे इसलिए था, वो रीजन ये था ताकि अगर वो उसे स्क्रिप्ट से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने आप को, तो मतलब वो स्क्रीन पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. सिमिलरली हमारे साथ भी ऐसा ही होता है. हमारी इंडस्ट्री भी मैंने बताया कि बिल्कुल मिलती जुलती है तरीके से. तो हमारे में क्या होता है कि अगर हम अपनी स्क्रिप्ट के साथ में उस स्क्रिप्ट को समझेंगे नहीं, उसको पढ़ेंगे नहीं, उसके साथ कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाएंगे, हम स्टेज पे जाकर एक अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखा होगा अपनी प्रेजेंटेशन देते टाइम पे, जिन लोगों ने सिर्फ स्लाइड्स को देख कर बोलते हैं, ठीक है, स्लाइड्स को देखकर बोलते हैं, या फिर बोलते हैं कि इन दिस प्रेजेंटेशन वी आर गोइंग टू डिलीवर दिस एंड इन दिस प्रेजेंटेशन यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बहुत लोग. पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने सिर्फ टॉपिक पढ़ा, जैसे सपोज टॉपिक था डिजिटल मार्केटिंग पे उन्होंने पढ़ा और पढ़ते के साथ बताया डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये फ्रेजेस होते हैं, इन तरीके से सोशल मीडियाज इन सोशल मीडियाज के हैंडल के थ्रू हम लोग प्रमोट करते हैं, हमारा तरीका कुछ इस तरीके से है प्रमोशन करने का, ऑडियंस के साथ में कनेक्टिविटी बनाने का, व्हाट वी आर सेलिंग इन दिस, हम लोग क्या बेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं. एक कॉन्फिडेंट जो स्पीकर होगा ना, उसको सिर्फ एक टॉपिक ही चाहिए, वो स्पीक बोल सकता है, ठीक है. तो इसका रीजन इसलिए होता है कि उससे पहले उन्होंने अच्छा होमवर्क करा होता है, जिसे हम बोलते हैं एडिंग इमोशन. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको स्टेज फियर में प्रॉब्लम होती है, मतलब आपको स्टेज फियर होता है, या फिर आपको पर्सनालिटी आपकी इतनी इम्प्रूव नहीं है, लोगों से बात करने में दिक्कत होती है, डर लगता है, या फिर स्टेज एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है, बोलना तो आता है पर पता नहीं क्या बोले, कॉन्टेंट नहीं पता, तो ये सारे सवाल मन में चल रहे हैं. आपने देखा कि एक एंकर की लाइफ कैसा होता है, मतलब कि ग्लैमर भी पार्ट होता है, घर का भी होता है, सब चीज़ देखनी होती है ऑल टुगेदर. एंड यस, अगर आप चाहते हैं कि कुछ सिमिलर आपको जीना है और सिमिलर आपको अर्न अच्छा करना है और साथ साथ में आपको फेम भी रहना है, स्टेज पर रहना है, बिकॉज आई ऑलवेज नो दिस थिंग सिंस लाइक व्हेन आई स्टार्ट दिस करियर. इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के एक इवेंट मैंने अटेंड किया था, उसमें यह था कि एक बार जो स्टेज पर चढ़ गया ना, वो चढ़ गया, ठीक है, उसको कभी कोई जिंदगी में उतार नहीं सकता अनलेस अंटिल उसकी मर्जी ना हो. तो ऐसा बनो कि आपको स्टेज पे से उतारने वाला कोई बने ही ना, और आप उस कॉन्फिडेंस के साथ में चीज़ें होस्ट करो. तो अगर आपको यही सब चीज़ें चाहिए, इफ़ यू वांट टू लर्न दिस थिंग कि आप अपने एंकरिंग की जर्नी स्टेज फेयर को ख़त्म करके किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, तो आप मेरा कोर्स है जो मैंने स्टार्ट किया है अभी, हाउ टू स्टार्ट योर एंकरिंग जर्नी विद एंकर कनिष्का गुला, और ये आपको मिल जाएगा. यह लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा. गो ज्वाइन नाउ, क्योंकि फर्स्ट 30 सीट्स पे मैंने निकाला है एक डिस्काउंट कूपन विच इज़ गोला 50%, जिसमें आपको 50% ऑफ मिल रहा है पहली 30 सीट्स पे, ड्यू टू नवरात्रे चल रहे हैं और 30 सीट्स ऑलमोस्ट फिलअप होने वाली है. तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि विदाउट वेस्टिंग टाइम गो एंड अवेल दिस ऑफर, क्योंकि डेफिनेटली देखो ये अपॉर्चुनिटीज बहुत लेस आती है कि जब ऐसे आपको कुछ सीखने का सिखाने का मौका मिलता है. आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर ना, तो मुझे किसी ने सिखाया नहीं था, किसी ने बताया नहीं था कि कैसे करते हैं एंकरिंग, क्या होता है क्या नहीं होता, स्टेज पे क्या होता है, एक्सपोजर कैसे मिलता है स्टेज पे, क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए. ईच एंड एवरी डे आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ, मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू करा, एंड दैट्स डेफिनेटली मेरा एक ड्रीम था, मेरा सपना था, जिसे मैं आज जी रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ. If you also want to do the same thing, तो आप भी कर सकते हैं. Go join now. मेरा link जो है course का वो description के अंदर है, अभी avail कर लो and comment में बताओ जल्दी से फटाफट कि कैसा लग रहा है vlog. Words जैसे होते हैं, जैसे happy बोल रहे हैं तो happy का मतलब happy होता है, sad का मतलब emotion चेहरे पे दिखाना है, sad दिखाना है.
अगर हम बोल रहे हैं मोटिवेटेड, तो मोटिवेटेड का मतलब मोटिवेटेड दिखाना है। तो आपको अगर वर्ड्स को अपने इमोशंस ऐड करने हैं तो पहले तो उस स्क्रिप्ट को फील करना शुरू कर दो। आपने स्क्रिप्ट ली, सपोज आपके पास स्क्रिप्ट है, दो पन्नों की स्क्रिप्ट है, आपने शुरू करा इंट्रोडक्शन से, ओपनिंग नोट से, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर इन दिस ब्यूटीफुल इवनिंग, बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को, आकर हंसी के साथ में शुरुआत करनी है। बट कोई ऐसा मोमेंट आ जाता है जिस मोमेंट पे आकर हमारे को, हमें अपने इमोशन को चेंज करना है, हमें अपनी एनर्जी को हाई करना है। वर्ड कहता है हैप्पीनेस, वर्ड कहता है एनर्जेटिक। अगर मैं बोल रही हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन लेट्स गेट रेडी टू बी एनर्जेटिक, अभी मैं एनर्जेटिक खुद बोल रही हूँ, अगर मैं एनर्जेटिक में खुद के ही मेरे शब्द में एनर्जी नहीं होगी तो कैसा एनर्जेटिक लगेगा। मैं बोलूंगी लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज गेट रेडी फॉर द एनर्जेटिक इंटरव्यू, फॉर द एनर्जेटिक ओपनिंग, फॉर दिस एंड दिस, वो बहुत पेल लगेगा, बहुत लो लगेगा। पर अगर इसी तरीके से बोलूं लेडीज एंड जेंटलमैन लेट्स गेट रेडी फॉर द एनर्जेटिक इवनिंग, ये एनर्जेटिक इवनिंग जो मैंने बोला है ना, उस वर्ड को फील करके बोला, एनर्जी का मतलब हो रहा है एनर्जी, जो एनर्जेटिक वर्ड है ना उसका मतलब ही है कि आप उत्साह दिखाओ उसके अंदर, अपनी एनर्जी फील करो, ठीक है। उस वर्ड में जितनी एनर्जी फील करोगे वो वर्ड का मीनिंग, उसका इमोशन बाहर निकल कर आएगा। वेलकम का मतलब होता है, हमने अभी देखा होगा आप हमारे घर कोई आते तो हम खुश होते हैं ना वेलकम करते वक्त, ऐसे में इंट्रो पे वेलकम करते हुए खुश होना है। हर शब्द का एक मीनिंग होता है, उस मीनिंग के हिसाब से हमें उसका मतलब समझना चाहिए और समझने के साथ साथ में हमें उसके इमोशंस पे काम करना चाहिए। अगर हमें इमोशंस पता लग गए, हम समझ गए कि ये वर्ड का ये इमोशन है, इस स्पीच का ये इमोशन है, इस नोट पे ये इमोशन जाएगा, इस नोट पे हैप्पीनेस, इस नोट पे लो जाएगा, तो शायद हम लोग अपनी स्पीच के अंदर और इन्हांसमेंट डाल सकते हैं। मैं आपको इमोशंस क्रिएट करने के कुछ तरीके बताती हूँ जो आप इमोशंस कर सकते हैं। हर एक वर्ड को उठा लो जो आपकी स्पीच में आने वाले, स्क्रिप्ट में आने वाले में कॉमन हो, वेलकम है, लेडीज एंड जेंटलमैन है, एनर्जेटिक है, उसको है ना 10 डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ में, 10 डिफरेंट इमोशंस के साथ में बोलना शुरू करो। हैप्पी 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 हैप्पी, आप देखो चार, मतलब कितने अलग डिफरेंट तरीके इमोशंस होंगे। मैंने लो से इंक्रीज करते करते गुस्से तक पे ले आई, आप भी ऐसा कर सकते हो। इससे आप इमोशन बिल्ड करोगे अपनी स्पीच के अंदर, अपने वर्ड्स के अंदर, अपनी स्क्रिप्ट के अंदर। तो आपको हर एक वर्ड को, मेरे को आज भी याद है जब ये हमें एक्टिंग में सिखाया जाता है कि कोई भी वर्ड है ना, आप तो अपनी वीडियो में, अपनी स्क्रिप्ट में इमोशन ऐड करने के लिए आपको कोई भी वर्ड उठा लो, जैसे उन्होंने मुझे बेबी वर्ड दिया था, बाबू वर्ड दिया था, उसको है ना 5 डिफरेंट इमोशन से बोलना था, बाबू 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 बाबू। अब देखो ना डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस ऐड हो रहे हैं इसके अंदर। ना वर्ड मैंने यू उठाया बट इट डजंट मीन दैट यू हैव टू पिक दिस वर्ड, बट कोई भी वर्ड उठाकर अपनी स्क्रिप्ट में से जो कॉमन आने वाला वर्ड है उसके ऊपर आपको ऐसे 5 इमोशंस के अंदर बात करना, अपने इमोशंस के अंदर डिलीवर करना सीख लो। आई एम श्योर आपको अब अपने वर्ड्स, अपनी डिलीवरी और स्पीच के अंदर है ना इन्हांसमेंट डाल पाओगे, ठीक है। सो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसके हिसाब से आप अपनी अपनी स्क्रिप्ट के अंदर इमोशंस ऐड कर सकते हो, वर्ड्स के अंदर इमोशन ऐड कर सकते हैं। आई एम श्योर दिस विल श्योरली गोना हेल्प यू फॉर दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई एम श्योर ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर द एल्गोरिथम, एंड ऑल्सो अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स, जरूर बता देना, शेयर कर देना, सो दैट मैं आपके साथ में कोशिश करूंगी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। सो टिल द टाइम आई डू वन थिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड यस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एंड बी कनेक्टेड इन माई वीडियोज। थैंक यू सो मच।